हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक ऑलराउंडर स्टूडेंट का रूटीन कैसा होता है, आप अपने स्टडी डेस्क को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या क्या स्टडी एसेंशियल आपके पास होने चाहिए। तो चलो फिर बिना किसी देरी के एक एवरेज स्टूडेंट से बेस्ट स्टूडेंट बनने का रूटीन शुरू करते हैं। अब अगर आपको हर चीज में बेस्ट बनना है ना, तो आपको पूरे दिन भर में कुछ समय तो अपने लिए एक्स्ट्रा निकालना ही पड़ेगा। और इस चीज के ऊपर हम चाहे कितनी ही डिबेट क्यों ना कर लें, लेकिन सुबह उठने से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। अब अगर आप नॉर्मल टाइम पर 6 बजे उठते हैं और अपने सारे काम निपटा कर 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तो इमेजिन करिए अगर आप 5 बजे उठेंगे तो 5 से 6 आपके पास फ्री टाइम है और ये बहुत शांति भरा भी होता है। तो इस समय आप स्टडी करके अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। और यही तो है जल्दी उठने का फायदा कि आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया बाकी लोगों के हिसाब से। और लोग इस समय पर सो रहे होते हैं लेकिन आप अपना काम करेंगे। अब जब भी हम जल्दी उठ जाते हैं ना लेकिन बेड पर लेटे रहते हैं, तो कब हमारी दोबारा आंख लग जाती है और समय आगे बढ़ जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। इसलिए बेस्ट है कि आप उठते ही अपने बॉडी और माइंड को छोटे छोटे कामों पर लगा दीजिए ताकि आपकी नींद अच्छे से खुल जाए। और अगर अब आपने बेस्ट स्टूडेंट बनने की सोची है तो आपको इतना सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अब हम पढ़ाई पर फोकस तभी कर पाएंगे जब हमारा माइंड ठीक तरीके से जाग चुका होगा। इसके लिए ना आपको पानी पीना है। अब ना सिर्फ 1 गिलास पानी पीने से बात नहीं बनती है, आपको ना एटलीस्ट 500 ml पानी तो पीना ही है। अगर ml नहीं समझ आ रहा है तो आपको इस तरीके की बॉटल को फिनिश करना है। इससे ना रात भर जो आपके ऑर्गन्स को पानी नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा और आपकी बॉडी और माइंड अच्छे से काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद ना आपको बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अपने स्टडी टेबल पर चले जाना है। 1 घंटे का टाइमर लगा के आपको लगातार पढ़ाई करनी है। इस टाइम पर जो हमारा होता है ना, अब तो मैं कुछ भी कर दूंगा वाली स्टेट में होता है, तो उसकी इस पावर का हमें सही से यूटिलाइज करना है। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना कि आप पढ़ने के लिए खाली पेट बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि थोड़ी देर ही आप पढ़ेंगे फिर आपको भूख लगने लग जाएगी। तो आप अपने पास थोड़े से आलमंड्स, 2 केले और दूध रख लीजिए। अब इस समय पर हम इतना अच्छा फील कर रहे होते हैं ना कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने फोकस को खोए हुए लगातार 1 से 2 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। अब जैसे ही हमारा स्टडी का टास्क कंप्लीट हो जाएगा ना, हम अपनी अदर एक्टिविटीज को बिना टेंशन के कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप 5 से 10 मिनट फोन चला लीजिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। किसी भी टास्क को ना आपको ओवरयूज नहीं करना है। जो भी टास्क आप स्टार्ट करें ना, उसको एक टाइम दे दीजिए कि मैं इतने टाइम तक ये करूंगी, ताकि आप अगली एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकें। आप 5 से 10 मिनट फोन यूज करने के बाद ना आप सीधा एक्सरसाइज करने के लिए चले जाइए। आप ना डेज के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को डिवाइड कर लीजिए। किसी दिन वेट ट्रेनिंग करिए, किसी दिन स्किपिंग कर लीजिए, किसी दिन पार्क चले जाइए, किसी दिन रनिंग करिए। इससे ना आप फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज भी रहेंगे और डेली एक्साइटेड भी रहेंगे। अब मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगी कि आपको एक्सरसाइज मॉर्निंग के टाइम पर ही करनी है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मॉर्निंग में ही कर लीजिए, नहीं तो शाम को एक्सरसाइज के लिए एक सेपरेट टाइम निकाल लीजिए। अब आपको डेली 1 घंटा इंटेंस वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही आपको बॉडी बनानी है, ना ही आपको चैंपियनशिप के लिए लड़ने जाना है। तो अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए आप डेली 4 से 5 एक्सरसाइज भी करते हैं ना, तो वो मोर देन इनफ है। इसके अलावा ना आप कोशिश करिए कि आपका एक हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन हो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बहुत ही मिनिमल चीजों के साथ ना आप इन दोनों चीजों का ख्याल रख सकते हैं। अब स्कूल के लंबे घंटों में आपका माइंड ठीक तरीके से काम कर सके, इसके लिए ना आपको अपने माइंड को एक अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेकफास्ट करके जाएं और ब्रेकफास्ट में ना प्रोटीन वाली चीजें लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत दिनों से ना आप में से ही किसी का कॉमेंट आ रहा था कि दीदी हम स्टडी डेस्क को कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो चलो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या एसेंशियल्स अपने डेस्क में रखने हैं। सबसे पहले तो जहाँ भी आप स्टडी करते हैं ना, वो स्पेस हमेशा डीक्लटर और क्लीन होना चाहिए। इसके बाद जिस भी भगवान को आप मानते हैं ना, उनकी एक फोटो रख दीजिए। अपने स्टडी टेबल को ना हमेशा पॉजिटिव वाइब्स और मोटिवेशनल क्वोट से कवर कर रखिए। अब हम एक एक करके ना अपने बुक्स को सेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड बुक्स और नोटबुक्स को रखना है। इसके अलावा अगर आपको डायरी लिखने का शौक है, जर्नलिंग करते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं, वो सब भी रख दीजिए। कलरिंग करने का शौक है तो स्केच बुक, कलर्स वगैरह को सेट कर रख दीजिए। इनके अलावा ना आपके स्टडी डेस्क में डिक्शनरी होनी जरूरी है। एक पेन स्टैंड होना चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा पेन, पेंसिल, ग्लू, स्केल, हाइलाइटर, ये सारी चीजें हो। और अब लास्ट में आपके स्टडी टेबल पर एक वॉच, कैलकुलेटर, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वो, ये कुछ एसेंशियल है जो आपके स्टडी टेबल पर होने चाहिए। अब स्कूल से आने के बाद ना आप कपड़े चेंज कर खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट कर फोन यूज कर फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाइए।
स्टडी करते समय ना हमेशा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनिए। अब स्टडी स्टार्ट करने से पहले ना आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए, जिसमें आप वो सारे टॉपिक लिखिए जो अभी आप कवर करने वाले हैं, और उनके आगे उनके टाइम भी कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। सब्जेक्ट प्रायोरिटी और अपनी वीकनेस के हिसाब से ही आपने इन सब्जेक्ट्स के टाइम्स को डिवाइड करना है। अब कुछ स्टडी टिप्स जो आपको स्टडी करने में हेल्प कर सकती है। सबसे पहले ना आपको स्टडी करने का अपना बेस्ट तरीका ढूंढना है। कुछ बच्चे हाइलाइटर्स को यूज करके अच्छा पढ़ पाते हैं, तो कुछ लोग फ्लैश कार्ड्स को यूज करके। आपको ना डेली पढ़ने की हैबिट डालनी है, भले ही आप ज्यादा ना पढ़ पाए लेकिन थोड़ा बहुत डेली पढ़े। जो आप स्टडी के टाइम पर ब्रेक्स लेते हैं ना, तो उस समय आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं या फिर ब्रेन ट्रेनिंग टाइप की गेम्स को भी खेल सकते हैं। और फिर से अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करने के बाद ना आप अपने आप को रिलैक्स करिए, आप पूजा करिए। इसके बाद आप मूवीज़ देख सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि सोने से एटलीस्ट एक घंटे पहले आप फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं सोने से पहले क्या करती हूँ। मैं या तो कोई नॉर्मल बुक रीड कर लेती हूँ, या फिर ना मुझे पर्सनली पसंद है स्पिरिचुअल बुक रीड करना। ये मेरे माइंड को इतना अच्छे से काम कर देता है ना कि मुझे बहुत प्यारी नींद आती है। आप पूरे दिन हसल करने के बाद, सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद रात को जब खाना मिलता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आपके डिनर में ना प्रॉपर कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर होने चाहिए। और मेरे घर में तो आजकल ना मम्मी ने आम का अचार बनाया हुआ है, थोड़े दिन पहले मामी भी लेकर आई थी, तो मैं तो बिना अचार के खाना खा ही नहीं रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गई कि आप कोशिश करिए डिनर से एक घंटे पहले ना आप एक प्लेट सलाद खा लीजिए। उसमें कुकुम्बर, टमाटर, चुकंदर, जो भी आपका मन करे वो ऐड कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो आप अपने खाने की प्लेट में ही थोड़ा सा सलाद ऐड कर जरूर खाइए। जितने हेल्दी तरीके से आप अपनी बॉडी को फ्यूल कर रखेंगे ना, उतना अच्छे से ही आपका ब्रेन वर्क करेगा। और फिर अपना नाइट रूटीन वगैरह फॉलो करने के बाद कोशिश करिए कि आप 9 से 10 बजे के बीच में सो जाइए, ताकि आप नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे इजीली उठकर यही रूटीन फॉलो कर सके। तो यही था आज का बेस्ट स्टूडेंट रूटीन। आई होप कोई ना कोई हैबिट आपके काम आए और आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर एक बेस्ट स्टूडेंट बन पाए। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नई हेल्पफुल वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।